हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्क्स। और आज मैं आप लोगों के लिए तीन नए और शब्द लेके आई हूँ, न्यू वोकैब, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। सो द फर्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? प्लेथोरा का मतलब होता है इन एक्सेस क्वांटिटी और इन लार्ज क्वांटिटी। जब भी कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट में हो या फिर ज़्यादा हो, तो फिर आप उसके लिए प्लेथोरा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। Plethora means large quantity or you can say excess quantity. Example, I have plethora of advice. ये sentence कहता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे advices हैं जो आपके इस्तेमाल में काम आ जाएंगे। मतलब indirectly I'm just trying to tell you all, that means I have plenty of advices which I can offer to you. Okay, so that is called as plethora. Plethora का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी जो ज़्यादा मात्रा में हो, उसे कहेंगे आप plethora. You can also use this word while saying, अगर आपको किसी को कहना है कि आपके पास ढेर सारे बहाने हैं, then you can tell him or tell her that I know you have plethora of excuses, but I don't want to listen to them. यानी कि आपके पास कहीं सारे बहाने हैं, ढेर सारे बहाने, लेकिन मुझे वो बहाने नहीं सुनने हैं। तो plethora का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कि ज़्यादा quantity में हो, या फिर anything that is in excess. तो आप उसे क्या कहेंगे? प्लेथोरा कहेंगे। सो रिमेम्बर, अगर आपको किसी को भी कुछ भी कहना हो जिसमें जिक्र होता है कि ज्यादा क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, ह्यूज अमाउंट, ओके, सो यू कैन यूज दिस वर्ड प्लेथोरा। अब नंबर टू इज गटल। गटल का मतलब होता है टू ईट और ड्रिंक ग्रीडीली। बहुत बार जब आपके अगर कोई छोटा भाई बहन है और आपके घर में कोई स्वीट लाते या चॉकलेट लाते, तो फिर वो इस तरह से खाएंगे जैसे कि मतलब कि वो चार दिन के भूखे हो, ओके, तो उसे कहेंगे गटल। जब भी कोई इंसान इस तरह से खाता है जैसे कि वो कई दिनों से भूखा हो, इफ अ पर्सन इज हंग्री फॉर मेनी डेज, द वे ही ईट्स, द स्टाइल द वे ही ईट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। जो भी मतलब जब आप नॉर्मल तरीके से खाते हो वो अलग होता है, और चार दिन का भूखा अलग तरीके से खाएगा, तो फिर इट इज कॉल्ड एज गटल। अगर आप किसी अपने दोस्त को देखते हो या फिर किसी अपने भाई बहन को देखते हो कि वो बस खाए जा रहे हैं क्योंकि उनको आपसे ज्यादा खाना है, इट यूजुअली हैपेंस इन द फैमिली, राइट, कि अगर आपके भाई बहन है तो फिर यू ट्राई टू ईट इट, और जो आपको चीज़ बड़ी डिलीशियस लगे, बड़ी अच्छी लगे, तो फिर आप ज्यादा खाने की मतलब कोशिश करते हो, जैसे कि कोई चॉकलेट आइसक्रीम, तो यू ईट इट इन ऑर्डर, जैसे कि वो खत्म होने वाला है, तो आप जितना आपको मतलब कि यू ट्राई टू ईट इट एज मच एज यू कैन, तो आप उसे गटल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है वो है कि हे डू नॉट गटल ईट पिज्जा, हे डू नॉट गटल पिज्जा, ईट इट स्लोली। तो इसका मतलब है कि आप धीरे से खाओ, एकदम बहुत जल्दी जल्दी में मतलब ठूसो मत, तो इसका मतलब वही होता है गटल, ठीक है। Then the third word and the last word is incredible. Incredible India, you might have heard, incredible. अगर आप किसी चीज को you cannot believe it कि वो really exist करती, that is called as incredible. So like for example, love among different communities under communal government is incredible. तो इसका मतलब क्या है? लव अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर कम्युनल गवर्नमेंट, तो कम्युनल गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिटीज के बीच में जो प्यार है, जो संबंध है, दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज विच यू कैनॉट बिलीव इट, सो समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, समथिंग लाइक वाव, आप कहते हो वाव इनक्रेडिबल, यानी कि आप मतलब यू कैनॉट थिंक दैट ऐसी भी चीज कोई हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज इनक्रेडिबल। तो ये भी शब्द आप जब भी इस्तेमाल करना, जब आप कभी किसी चीज को खूबसूरत पाओगे या फिर आपको विश्वास नहीं होगा कि ओके नेचर ने ऐसी खूबसूरती भी बनाई है, दैट टाइम यू कैन कॉल इट, यू कैन यूज दिस वर्ड इनक्रेडिबल। सो दीज आर द थ्री वोकैब्स और थ्री वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, विच यू ऑल कैन यूज इट इन ऑर्डर टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग। तो दिस विल हेल्प यू ऑल टू बिल्ड योर इंग्लिश स्ट्रांग। तो अगर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इन ऑर्डर टू बिल्ड मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग, यू नीड टू रीड, यू नीड टू लिसन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू टॉक। अगर आप पढ़ोगे, आप सुनोगे, लेकिन आप बात नहीं करोगे, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो वेन एवर यू आर लर्निंग और वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, मेक श्योर यू नोट इट डाउन,
क्योंकि कई बार हम एक कोई शब्द सीखते हैं, कुछ दिनों के बाद हम वो भूल जाते हैं. दैट्स अ टेंडेंसी विथ मी ऑल्सो, बट देन यू नीड टू रिपीट इट. ह्यूमन माइंड टेंड्स टू फॉरगेट, बट आपको अगर उसे नहीं भुलाना है तो आपको रिपीट करनी होगी कोई भी एक्टिविटी. जैसे कि आप जब स्कूल में थे, व्हेन यू वर इन योर प्री प्राइमरी नर्सरी, दैट टाइम यू थॉट ए बी सी डी, और आपके साथ मतलब वो कहते हैं कि रिपीट करो, दैट यू नेवर फॉरगॉट इट. सेम वे यू नीड टू रिपीट इट. ओके, फ्रीक्वेंटली आपको रिपीट करना होगा. सो दैट्स द वे यू लर्न. सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच. आई वुड बी बैक सून विथ अनदर 3 वोकैब, मे बी टुमारो. सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू read English, listen and also to speak. That's it guys, thank you so much. Agar aapko ye video acha lage, if you found it informative, don't forget to share it with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel. Till then, bye bye, have a great day.